और सत्ता में रहने बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक। जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना सात जन्म में ये सोच नहीं सकते। बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन वाले रिश्ते को देखते हुए और समय का तकाजा देखते हुए मौका भाप नए गठबंधन में नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया गया है। नए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के लिए स्पष्ट तौर पर ऑफर है और कहीं ना कहीं लगातार बिहार में दलबदल का खेल चल रहा है। इसमें चर्चा ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक जाएगा, लेकिन अब इसको लेकर स्पष्ट किया गया है कि बिहार में अल्पसंख्यक वोट की अगर जागीर किसी के पास है तो वो कांग्रेस और नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो कर दिया वो बिहार की सरकार ने अभी तक नहीं किया, चाहे बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो। नीतीश कुमार के राज्य में अल्पसंख्यकों का विकास भारी स्तर पर हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और कांग्रेस को साथ आने को लेकर चर्चा है, वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काफी काम किए हैं। और अगर बिहार में विकास की बात कहे तो विकास भी हुआ है, भले ही लोग दावा कर रहे हैं, चाहे वो ओबैसी के पार्टी के लोग हो, अख्तरुल इमाम हो या तेजस्वी यादव हो, मुस्लिम वोट बैंक की दावा कर रहे हैं और दावेदारी सभी लोग मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की जो दावेदारी है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के हिमायती रहे हैं, ऐसे में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने बयान देकर स्पष्ट किया है कि इशारों में वो नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव का ये वीडियो देखिए, किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी राजद भाजपा सब पर हमला बोला है और नीतीश कुमार को एक इशारा दिया है। बीजेपी ने कितनी कृपा की आपको नंबर वन बनाने में, जब ऊंची जात के लोग लगातार नीतीश जी के विरोध में थे तो चिराग जी के बदौलत 75 सीट आ गए। उनसे यह पूछिए ना कि जब लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाए निर्दलीय के बदौलत, फिर सीपीएम माले के बदौलत बनाए दूसरे बार, कभी अकेला सरकार नहीं बनी। कांग्रेस जिसकी जरूरत पड़ी उसको साथ लिया। जब चौथे बार वो चुनाव लड़े तो 23 सीट पर सिमट गए। जब पांचवें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। छठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव, सवाल ये नहीं है, सवाल साहबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहां गायब थे वो देना चाहिए, रामनवमी में ईद में कहां थे देना चाहिए, उसी पर बोलना चाहिए। एनआरसी में कहां थे उस पर बोलना चाहिए, दिल्ली में घटना घटी कहां थे उस पर बोलना चाहिए। आरजेडी अब अकलियतों की जो है दुश्मन बन गई है सियासत की, अकलियत सर कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को हाथ नया लगा होगा, सबसे बड़ा दुश्मन अकलियत का कोई है ये क्षेत्रीय पार्टी। अकलियत को यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना सात जन्म में ये सोच नहीं सकते। सब क्षेत्रीय मुसलमानों की संस्था उसके कई सारी चीजों को आप देख लीजिए, और सत्ता में रहने बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक और भर भर बोलने की। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।